बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आमिर एंड यू आर वाचिंग थिंक टेक्निकल। आप सब भाई जानते हैं मेरी वीडियोस अक्सर जो है वो रिगार्डिंग पेमेंट गेटवेज होती हैं। मेरे चैनल थिंक टेक्निकल में मैंने बहुत सारी जो पेमेंट गेटवेज हैं ऑनलाइन, जिसको आप मर्चेंट्स भी कहते हैं, मैंने उनको कवर किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो है MCB का जो पेमेंट गेटवे है, MCB ई गेट के नाम से। तो आज की वीडियो हमारी MCB ई गेट पर है। MCB का पेमेंट गेटवे, फिर से बता रहा हूँ, MCB का पेमेंट गेटवे MCB ई गेट के नाम से है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हम MCB ई गेट को कवर करेंगे। क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे इंट्रोडक्शन MCB ई गेट का। इसके फीचर्स क्या हैं वो देखेंगे, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो देखेंगे, चार्जेस क्या हैं, एंड लास्ट वन हाउ टू अप्लाई। ऑलराइट, तो आज हम यही टॉपिक MCB ई गेट के कवर करेंगे, MCB ई गेट। ऑलराइट, ये नाम है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको MCB का ई गेट चाहिए, पेमेंट गेटवे चाहिए, तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले विजिट करना है MCB की ऑफिशियल वेबसाइट पे, mcb.com.pk। आप जब ये विजिट कर लेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको लेफ्ट साइड पे देखें बिजनेस के नाम से एक ऑप्शन नज़र आएगा। आपने इसको हावर करेंगे तो कुछ ऑप्शन मजीद शो होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, आपके सामने आएगा MCB ई गेट। इस पर आप क्लिक करें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद जो डिटेल है वो सामने आती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन इसका आपको थोड़ा सा दे देता हूँ कि ये कब से वर्क कर रहा है और कहाँ कहाँ सर्विसेज देता है। ऑलराइट, कहता है कि MCB बैंक लिमिटेड इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन पाकिस्तान विद ओवर 1400+ ब्रांचेज नेशन वाइड। MCB इज़ द लार्जेस्ट इशूअर ऑफ कार्ड्स इन पाकिस्तान विद एन एस्टॉनिंग कार्ड्स बेस ऑफ 2.5 मिलियन कार्ड्स, जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड एंड स्मार्ट कार्ड्स मौजूद हैं। MCB हैज़ बीन इन द कार्ड एक्वायरिंग बिजनेस सिंस 2003 एंड करंटली हैज़ अ मर्चेंट बेस ऑफ अराउंड 10,000 वी आर ऑल इंटरनेशनल एंड लोकल वीज़ा मास्टर कार्ड, जिसमें चाइना यूनियन पे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड भी है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि MCB नाउ ऑफर्स पेमेंट गेटवे फॉर द राइजिंग पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री बाई प्रोवाइडिंग आवर एग्जिस्टिंग एंड न्यू मर्चेंट्स विद अ सिक्योर एंड एफिशियंट कार्ड प्रोसेसिंग सर्विस ऑनलाइन थ्रू MCB ई गेट। MCB ई गेट इज अ सर्विस डिजाइन टू ऑफर ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंस टू द कार्ड होल्डर्स एंड मर्चेंट्स, वेयर बाय कार्ड होल्डर्स कैन मेक ऑनलाइन रियल टाइम परचेजेस थ्रू द मर्चेंट्स वेबसाइट। ये वही बता रहे हैं जो एक नॉर्मल पेमेंट गेटवे के हवाले से मैंने आपको पहले बताया हुआ कि पेमेंट गेटवे क्या करता है। तो ये अपने पेमेंट गेटवे के हवाले से बता रहा है। बहरहाल, अ कार्ड होल्डर कैन यूज़ एनी वीज़ा और मास्टर इशूड बाय एनी बैंक बोथ लोकली और इंटरनेशनल फॉर मेकिंग पेमेंट्स टू द ऑनलाइन मर्चेंट्स। MCB ई गेट इज़ बैक्ड बाई MIGS मास्टर कार्ड इंटरनेट गेटवे सर्विस दैट प्रोवाइड्स 3D सिक्योर सोल्यूशन। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसमें ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि इसने पहले अपना तारुफ दिया MCB ने अपने बैंक्स का कि हमारे 1400+ ब्रांचेज हैं नेशन वाइड, इसके अलावा हम ये कार्ड ऑफर करते हैं, इतने इतने कार्ड्स, इतने इतने अमाउंट की जो कार्ड्स वगैरह हम डेबिट कार्ड इशू कर चुके हैं, जिसमें लोकल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह को हम देख रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद पेमेंट गेटवे का बताया कि ये हमने ये लॉन्च किया है, 3D सिक्योर इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया है। अभी थोड़ा सा आगे चलें कि ये इनकी सर्विसेज क्या क्या है, ये क्या क्या देते हैं। अगर मैं सर्विस फीचर्स पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने शो होता है जी, फॉलोइंग आर सम ऑफ द सेलिंग फीचर्स ऑफ MCB ई गेट, क्विक एंड ईजी इंटीग्रेशन। ऑलराइट, ठीक है, बेस्ट इन क्लास अप टाइम फॉर मैक्सिमम रिलायबिलिटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद
PCI and DSS and 3D secure compliant for maximum security, routing of e-commerce transaction from payment gateway to MCB for authorization and settlement, a merchant portal to view transaction, ये आपको merchant portal भी देते हैं, detail and history of transaction, round the clock local support, best fraud risk management team इनके पास मौजूद है to monitor transaction and investigation of fraudulent activities. ये इसका इनकी services हैं जिसमें 3D environment है, इनको ये portal देते हैं आपको transaction को view करने के लिए, history देखने के लिए. इसके अलावा इनके पास बेस्ट फ्रॉड मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट टीम वगैरह मौजूद है. बाकी इनकी इंडिकेशन वगैरह भी कह रहे हैं कि हमारी बहुत इजी है. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा. थोड़ा सा आगे चलें तो बात करते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स की, जो कि मेन टॉपिक है, जो कि मेन एक मौजूद कस्टम अक्सर जो क्लाइंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम पेमेंट गेटवे ले देने को तो हर कोई तैयार है, सारे बैंक्स बैठे हैं देने को तैयार, लेकिन सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं. तो इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैं आपका आप बताता हूँ आपको, जिसमें रिक्वायरमेंट पे क्लिक करता हूँ तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एज पर बिजनेस नेचर है. ठीक है, सबसे पहले कह रहा है लीगल डॉक्यूमेंटेशन में कह रहा है कि यू विल नीड टू सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज पर योर कंपनी स्टेटस. अब कंपनी स्टेटस का मतलब है कि अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, पार्टनरशिप है, लीगल लिमिटेड कंपनी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है या इंडिविजुअल है आप, उसके लिए आपकी शनाख्ती कार्ड की, जो भी प्रोप्राइटर है उसकी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर चाहिए होगी, कॉपी ऑफ CNIC, बैंक लेटर मेंशनिंग द नेम एंड CNIC नंबर ऑफ ऑन, जिसको आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं. ठीक है, वो चाहिए होगा. इसमें जो कि सोल प्रोप्राइटर का होना चाहिए, जिसमें नाम होना चाहिए जिसके नाम पे सोल प्रोप्राइटर की कंपनी है, वही नाम और CNIC उस अकाउंट मेंटेनेंस लेटर में शो हो रहा हो. नंबर थर्ड, फोटो ऑफ साइन बोर्ड. ठीक है जी, साइन बोर्ड की पिक्चर चाहिए होगी, ये है प्रोप्राइटरशिप के लिए. पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए, ऊपर वाली जो मैंने आपको तीन बताई हैं वो भी इसमें चाहिए होगी. इसमें इसके अलावा इसमें दी कॉपीज ऑफ CNIC ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं तमाम की CNIC पिक्चर चाहिए होंगी. पार्टनरशिप डीड चाहिए, बाकी उसके अलावा बैंक लेटर मेंशनिंग द नेम पार्टनर, वही अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें तमाम पार्टनर्स के नाम वगैरह मौजूद हों. अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा, साइन बाय ऑल पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनर्स आर नॉट साइनिंग द एग्रीमेंट. ठीक है जी, फोटो ऑफ द साइन बोर्ड. ऑलराइट, जो मैं आपको अभी ऑनबोर्डिंग फॉर्म दूंगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ. लिमिटेड कंपनी के लिए क्या चाहिए होगा जी, तमाम डायरेक्टर्स या सिग्नेटरीज के शनाख्ती कार्ड चाहिए होंगे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए होगा, फॉर्म ए फॉर्म 29 चाहिए होगा अगर आपकी कंपनी को एक साल हो गया है तो, अगर एक साल नहीं हुआ तो एनेक्शर ए आप अटैच कर सकते हैं. बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन चाहिए होगा अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं, और अगर एक ही डायरेक्टर्स है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, फिफ्थ नंबर पे है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं SECP में, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिल जाते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास होंगे. अगर आप कंपनी रन कर रहे हैं लिमिटेड कंपनी तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं. उसके बाद सिक्स नंबर पे है फोटो ऑफ साइन बोर्ड. अच्छा, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो कि आपको देनी है. इसके अलावा कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि MCB की हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं ये वाली. ये सारी रिक्वायरमेंट्स तो अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी से भी गेटवे लेते हैं, तो ये आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी. इसके अलावा आप स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं MCB की. कहता है कि आपका MCB में अकाउंट होना, बैंक अकाउंट होना लाजमी है. अगर आपका MCB में बैंक अकाउंट नहीं है तो आप MCB e-gate के लिए अहल नहीं है. ठीक है, अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने अकाउंट ओपन करवाना है, ताकि जो सेटलमेंट वगैरह है वो आपके उसी अकाउंट में हो. ठीक है जी, उसके बाद सबमिट साइन अप फी चेक. अच्छा, अब ये थोड़ा सा समझने की बात है. अगर आपको ई गेट चाहिए तो आपको प्रोसेसिंग, वो जो पेमेंट गेटवे की एप्लीकेशन है उसकी प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेस करवाने के लिए इनकी फ़ी है जो आपको देनी पड़ेगी. वो कितनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ. अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जो अगर आपका MCB में अकाउंट पहले से है तो आपको देंगे,
नहीं है, तो जब आप ओपन करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यूटिलिटी बिल, लेटेस्ट यूटिलिटी बिल की पिक्चर चाहिए होगी या पीटीसीएल का वो भी, लेकिन यहाँ पे एक बाकी अदर कंपनीज होती हैं, कहती हैं कि आप बिजली का दे दें, गैस का दे दें, पीटीसीएल का दे दें, बट एमसीबी कह रहा है कि आपका पीटीसीएल का बिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चार रिक्वायरमेंट्स हैं ये मस्ट हैं। अगर आपके आपके पास अगर ये चारों चीज़ें मौजूद हैं तो आप एमसीबी ई गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अहल ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एज पर बिजनेस नेचर मैंने आपको तमाम तरह जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बता दी हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो फॉर्म है वो दिखा देता हूँ। आपको ये फॉर्म मिल जाएगा इजीली, आप जैसे इनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ये जैसे यहाँ पे शो हो रहा है क्लिक टू डाउनलोड, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, अब इसमें देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आपको फिल कैसे करना है मैं आपको जल्दी से जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। देखिए इसमें मर्चेंट कमर्शियल नेम है और मर्चेंट लीगल नेम है। मैं बहुत सारी वीडियोस जो पहले बना चुका हूँ उसमें वाजे तौर पर बताया है कि कमर्शियल और लीगल में क्या फ़र्क है। लीगल नेम का मतलब होता है कि आपकी जो कंपनी रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल एफपीआर में किस नाम से रजिस्टर्ड है या फिर एसईसीपी में किस नाम से रजिस्टर्ड है उसको कहते हैं लीगल नेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी कंपनी है रजिस्टर्ड वो है अजरा टेक्सटाइल के नाम से, डॉक्यूमेंट्स में मेरी कंपनी अजरा टेक्सटाइल के नाम से है, बट कमर्शियली यानी कि वेबसाइट मेरी किसी और नाम से बनी हुई है, फेसबुक पेज किसी और नाम से बना हुआ है, या मैं डीलिंग जो करता हूँ वो मैं किसी और नाम से करता हूँ। ठीक है, तो डीलिंग यानी कि कस्टमर्स को दिखाने के लिए जो कमर्शियल यूज़ के लिए एड चलाते हैं आप, एड चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कहीं पर भी हो, वो जो एड जिस नाम से चलाते हैं ना उसको कहते हैं कमर्शियल नेम। तो अब आपने यहाँ पे कमर्शियल नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ होते हैं जो नाम डिफरेंट रखते हैं, बट कुछ होते हैं जिनका नाम सेम होता है, जिनकी बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं और ग्रुप ऑफ कंपनीज जो होती हैं उनका जो फॉर एग्जाम्पल एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज ये लीगल नेम है, उसके अंडर में वो लोग कमर्शियल नेम किसी का रख देते हैं, ए कंपनी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, इस तरह। तो वो आप खुद देख सकते हैं, और यहाँ पे आपने कमर्शियल लिखना है और ये इधर आपने लिखना है लीगल। इस्टेब्लिश्ड सिंस, कब से आपकी कंपनी इस्टेब्लिश्ड है, कब से आप अपना काम कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे ईयर लिख देना है। उसके बाद जिस एड्रेस पे अभी आप वर्क कर रहे हैं, जिस एड्रेस पे अभी आपकी कंपनी लोकेटेड है वहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको, कितने साल हो गए वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बिजनेस एड्रेस कमर्शियल, जिस एड्रेस पे अभी आपकी कंपनी लोकेट है वो एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सिटी वगैरह लिखेंगे, टेलीफोन नंबर लिखेंगे, ऑल राइट, फैक्स वगैरह है तो वो लिख दीजिएगा, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम लिख दीजिएगा जिससे आप चाहते हैं कि जो एमसीबी के सेल्स ऑनर हैं या इनकी जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन हैं वो आपसे रब्ता करें उनका आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे और नेम लिखेंगे। उसके बाद बिजनेस एड्रेस लीगल, अच्छा बिजनेस एड्रेस लीगल का मतलब है कि देखिए एक कमर्शियल था एक लीगल था, अगर आपका दोनों सेम है तो दोनों सेम लिख सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पे डिफरेंट लिखेंगे। ठीक है, टेलीफोन आ गया, कॉन्टेक्ट पर्सन नेम आ गया, लेकिन दो है, अगर कमर्शियल का अलग है तो आप अलग लिखेंगे, अगर लीगल का अलग है, दोनों अगर सेम है, दोनों पर्सन सेम है कॉन्टेक्ट पर्सन, तो दोनों का आप सेम लिखेंगे, अगर दोनों के अलग अलग हैं तो आप दोनों के यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ आउटलेट्स, अगर आपकी फिजिकल शॉप्स है, ठीक है आउटलेट्स वगैरह हैं तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, और अगर है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन ऑफ ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे है, ये हो गया। सिक्स नंबर पे आ जाए, सिक्स नंबर पे है टाइप ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ मर्चेंट, सर्विस सोल्ड, किस टाइप का बिजनेस है आपका, क्या सर्विस देते हैं वो, उसमें से यहाँ से आप चूज़ करेंगे, रिटेल है, इलेक्ट्रॉनिक है, टेलीकम्युनिकेशन है, ज्वेलर, ट्रेवल, आईएसपी, लॉजिंग, एयरलाइन, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या अदर, कोई और है तो आप यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, चूज़ आपने करना है जो आपका बिजनेस है।
सेवन नंबर पे आ जाए, एनुअल वॉल्यूम क्या है आपका? फॉर एग्जांपल आपका वॉल्यूम है 2 मिलियन एनुअल, आपने यहाँ पे एनुअल वॉल्यूम लिख देना है 10 मिलियन है, 12 मिलियन है। अगर 12 मिलियन है तो आपका एवरेज क्या बनेगा? एवरेज बनेगा पर मंथ 1 मिलियन, ठीक है। एक्सपेक्टेड वॉल्यूम एक लगता है ना आपको, अगर स्टार्टअप है या अभी आपका 12 मिलियन है तो आपको लगता है एक्सपेक्टेड मेरा इन फ्यूचर बढ़ सकता है, तो आप यहाँ पे वो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम लिखेंगे। लीगल स्ट्रक्चर, अब ये आ जाते हैं लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी तरफ आता है। लीगल में आपने क्या करना है, अब आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही होता है कि यार मेरी कंपनी कौन सी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, क्लब्स अदर जो भी आपकी होगी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, NIC, ओल्ड अगर पुराना है तो वो लिखेंगे, न्यू है तो वो भी लिखेंगे, तो दोनों लिखेंगे। प्रेजिडेंस एड्रेस लिखेंगे, ठीक है जी, जो भी आपका एड्रेस है वो लिखेंगे। एंड उसके बाद अगर एक से ज़्यादा पर्सन है, जैसे पार्टनरशिप में एक या दो होते हैं वो लिखेंगे, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आपके लिए एक ही चलेगा, ठीक है। पार्टनरशिप में प्राइवेट लिमिटेड में एक से ज़्यादा, अगर एक डायरेक्टर है तो एक ही लिखेंगे, एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स हैं तो आपने फिर ये इसको भी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर आपने किसी को ऑथराइज़ किया हुआ है, किसी सिग्नेटरी को कि वो आपके तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो फिल करे, तो आपने उसकी यहाँ पर डिटेल लिखनी होगी, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, NIC, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे, ओके। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेमेंट मोड में डायरेक्ट डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट डेबिट नहीं चाहिए, आपको चाहिए कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, राइट। बहरहाल ये तो इन्होंने ऑटो फिल किया हुआ है, बट आप इसको छोड़ दें, ठीक है। अगर वो टीम आपसे कहे कि मेंशन करने का तो कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दें। अच्छा, ये डायरेक्ट डेबिट ये भी हो सकता है कि अगर आप MCB के पास अकाउंट ओपन करवाते हैं, ऑब्वियसली इनसे लेने के लिए आपको MCB के पास बैंक अकाउंट ओपन करवाना ही है, तो जो पेमेंट वगैरह होगी वो डायरेक्ट आपके सॉरी ये डायरेक्ट क्रेडिट है, तो डायरेक्ट आपके पेमेंट बैंक अकाउंट में ही सेटल हुआ करेगी, तो ये डायरेक्ट क्रेडिट है, सॉरी मैं आई वॉज लुकिंग, ये डायरेक्ट डेबिट है, ये डायरेक्ट क्रेडिट है। डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब है कि जो भी आपके कस्टमर की ट्रांजेक्शन हुआ करेंगे वो डायरेक्ट आपके MCB बैंक अकाउंट में जो आपने लिंक करवाया होगा उसमें क्रेडिट हुआ करेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, MCB अकाउंट की डिटेल यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर एंड ब्रांच कोड, मर्चेंट बेनिफिशरी नेम, ऑलराइट, ये फिल करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ एनी प्रीवियस मर्चेंट पास एक्सेप्टेंस रिलेशनशिप, कह रहे कि अगर आपने किसी से पास वगैरह पहले ली हुई है, तो ली हुई है या नहीं ली हुई, अगर ली हुई है तो आप करेंगे यस, किससे ली हुई थी, HBL, UBL, अल्फला, अदर, जिससे भी ली हुई थी आप यहाँ पर टिक कर देंगे, नहीं ली हुई तो आप इसको छोड़ सकते हैं। करंट स्टेटस ऑफ द रिलेशनशिप, अगर आपने यहाँ से कोई सर्विस ली हुई थी पहले, एक्टिव है यानी कि अभी भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक्टिव, ले के छोड़ दी, टर्मिनेटेड, डिस्काउंट रेट क्या मिला था आपको वो यहाँ पे रेट मेंशन करेंगे। अगर नहीं ली थी तो आप ये दोनों 10 और 11 स्किप कर सकते हैं। इफ एक्टिव, व्हाट इक्विपमेंट इज ऑलरेडी इन प्लेस, अगर कह रहे हैं कि आप अभी भी एक्टिव हैं, ठीक है, इस पॉइंट को लेके चल रहे हैं अभी वो 11 को, अगर अभी भी आप इस रिलेशनशिप में एक्टिव हैं तो आपके पास क्या है, क्या इक्विपमेंट है इनका, इम्प्रिंटर है, पॉस है, पॉस विथ EDC है, तो जो भी आपके पास है वो आप टिक कर सकते हैं। इफ़ टर्मिनेटेड रीजन ऑफ टर्मिनेशन, अगर आप नहीं यूज़ करे ली थी उसके बाद फिर आपने टर्मिनेट करवा दिया तो क्यों, वो रीज़न आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट। उसके बाद 12 नंबर पे आते हैं, डिस्काउंट रेट्स ऑफर्ड, अगर आपने पहले सर्विस ली थी, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि आपको क्या रिकाउंट जो रेट्स हैं वो ऑफर किए गए थे वीज़ा मास्टर कार्ड पर, वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फंड्स होल्डिंग पीरियड क्या था, मतलब कितना टाइम में सेटलमेंट होती थी वो आप लिखेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन नेम लिखेंगे, ऑलराइट, उसका ईमेल एड्रेस, कॉर्पोरेट ईमेल होना चाहिए इस पे इनकी जो MCB की टीम है वो ईमेल पे चैटिंग वगैरह या फिर जो भी कम्युनिकेशन है वो कर सके, या फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद आपने
नीचे आना है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये फॉर इंटरनल यूज ओनली है। तो ये नीचे वाला जितना भी है ये इंटरनल यूज के लिए, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इस तरह आप अपनी जो डिटेल वगैरह है फिल करके इनको ईमेल करेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे अगर आते शेड्यूल ए में, तो यहाँ पे आपने मर्चेंट डिटेल मेंशन करनी है, मर्चेंट कमर्शियल नेम, लीगल नेम, एक और है थोड़ा सा इसको फिल कर लीजिएगा, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, ईमेल एड्रेस, ये अगर फिल करेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम अगर आप देना चाहते हैं, कोई और है, दो तीन चार हैं, एक ही है तो आप वो मेंशन करेंगे। इसके बाद प्रेफरेबली कन्विकेशन विल बी मेड बाई MCB टू ईमेल एड्रेस, वही ईमेल एड्रेस दीजिएगा जहाँ पर जिससे आप MCB की टीम से कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद टाइप नेचर ऑफ बिजनेस वो आप डालेंगे, पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। वेबसाइट का URL मेंशन करेंगे, MCB अकाउंट की डिटेल मेंशन करेंगे, यहाँ पे मंथली मेंबरशिप फी क्या आपको इन्होंने फी ऑफर की है वो मेंशन करेंगे, ऑनबोर्डिंग फी क्या है वो मेंशन करेंगे, पर ट्रांजेक्शन फी क्या है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये सारी डिटेल आपको जब आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ आगे चल के कि रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कैसे करनी है, टीम कैसे आपसे रब्ता करती है, और फिर वो आपको क्या क्या रेट ऑफर करेगी। वो ऑफर करने के बाद फिर ये आप यहाँ तक पहुँचेंगे, इस फॉर्म तक, फिर आपने ये फॉर्म वगैरह फिल करके, ये सब फिल करके उनको देना है। इफ़ फंड्स होल्डिंग पीरियड आप मेंशन करेंगे, जो भी आपकी MCB से बात होगी उनके एजेंट से वो आपको बता देंगे, तो आप वो यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद ये जैसे फिल करेंगे, बाकी इनकी डिटेल दे रहा है कि MCB कॉन्टैक्ट डिटेल, दिस दिस दिस, यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। फॉर एंड बिहाफ ऑन मर्चेंट, ये आपके लिए है, यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे, टाइटल लिखेंगे, स्टैम्प वगैरह यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है। राइट, ये वही चीज़ जो आपको पहले बता चुका हूँ कि राउटिंग, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन फॉर पेमेंट गेटवे, ऑथराइजेशन, सेटलमेंट, क्विक एंड इजी इंटीग्रेशन, जो हम पहले भी देख चुके हैं, ये सब कुछ वही है, आप खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। इस तरह आप इनका जो ऑनबोर्डिंग फॉर्म है फिल करेंगे। मैंने आपको कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, कुछ चीज़ें पता नहीं थी जो मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताई हैं। उसके बाद हम आते हैं मर्चेंट साइनअप पे, लेकिन मर्चेंट साइनअप से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, चार्जेस क्या चार्ज करते हैं, इनकी क्या फ़ी है, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, फीचर्स देख लिए, रिक्वायरमेंट्स देख लिए, अब चार्जेस की बात करते हैं। चार्जेस के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके क्या चार्जेस हैं, ये मैंने बड़ी मुश्किल से काफ़ी ढूंढ के निकाला है। तो अच्छा, इसके लिए कह रहा है कि अगर आपने इनसे पॉस मशीन लेनी है तो इसका MDR क्या होगा, 2 पॉइंट अप टू 2.5% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ टैक्स ऑन सर्विस प्लस टैक्स ऑन सर्विस चार्जेस। अप टू 2.5% मतलब कोई भी चार्जेस हो सकते हैं 2.5 से मैक्सिमम। मैक्सिमम चार्जेस 2.5 और ब्लो ही रहेंगे, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, 2.3, 2.4, डिपेंड करता है कि आपका वॉल्यूम क्या है। अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो ये चार्जेस हैं 2.5 भी कम हो सकते हैं, अगर कम है तो फिर ये बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो सेल्स ओनर है या फिर इनकी जो टीम है वो आपको बता देगी, ये भी पॉस की बता रहा है। पेमेंट गेटवे की बात की जाए तो जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे सेटअप चार्जेस, मैंने आपको पहले बताया है जो सेटअप चार्जेस हैं वो क्या होंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ऑलराइट, ये सबमिट साइनअप फी चेक, ठीक है, ये जो आपको चेक देना है, स्टार्ट दी प्रोसेस, साइनअप फी का जो आपको चेक देना है वो देना है कितने का, 40,000, 40,000 का आपको चेक देना है रिक्वेस्ट सबमिट करते वक्त, क्योंकि जब तक आप ये 40,000 का चेक नहीं जमा कराएंगे आपकी जो मर्चेंट आई थी वो क्रिएट नहीं होगी और जो प्रोसेस वगैरह है वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग। उसके बाद मंथली फी भी चार्ज करते हैं आपसे, ठीक है, मंथली फी चार्ज करते हैं 5,400 रुपये, 5,400 रुपये आपको पर मंथ पर मर्चेंट आईडी सबमिट करवानी होगी। पर ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं इनके अप टू 25 रुपीज़ पर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होंगी उसके ऊपर ये 25 रुपये, अप टू 25 रुपये, अप टू 25 रुपीज़ ये आपको चार्ज करेंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं वो, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी डेली की ट्रांजेक्शन कितनी है और आपका डेली का वॉल्यूम कितना है।
ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही आपको रेट वगैरह कोट किए जाएंगे। उसके बाद पर ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर रियल टाइम, जो रियल टाइम आपको चार्ज करेगा। देखें दो तरह के चार्जेस हैं, एक है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के, ठीक है, और एक है रियल टाइम ट्रांजेक्शन के। यानी कि अप टू 5 रुपीज़ फॉर सिलेक्टेड हाई रिस्क मर्चेंट्स के लिए होगा ये रियल टाइम ट्रांजेक्शन के होंगे, ये सबके लिए नहीं होंगे चार्जेस। ये जो जिनके बिजनेस हाई रिस्क हैं उनको ये अप टू 5 रुपीज़ चार्जेस चार्ज करेगा, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग एप्लीकेबल टू ई गेट ओनली, रिस्क लेवल टू बी डिटरमाइंड बाई MCB बैंक एट द टाइम ऑन बोर्डिंग एंड और एट एनी टाइम वाइल मर्चेंट डीलरशिप इज एक्टिव। मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR कह रहा है कि है अप टू 4.35% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू प्लस टैक्स ऑन सर्विस चार्जेस, अप टू 4.35% पर ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन वैल्यू का अप टू कुछ भी हो सकता है, वो 4.35% आपको चार्ज कर सकता है, ठीक है जी। ये मैंने आपको इसकी रिक्वायरमेंट बता दी, चार्जेस वगैरह बता दी मैंने आपको, ठीक है। आप चाहें तो नीचे नीचे खैर कुछ और है, आप नीचे सिर्फ मैंने आपको MCBE गेट का बताना था, आपने चार्जेस वगैरह देख लिए हैं। मज़ीद चार्जेस के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे ये मेहनत करके डिटेल निकालनी पड़ती है, ताकि आपको कोई इशू ना आए। आप इनके हेल्पलाइन पे अगर कॉल करते हैं ना चार्जेस कन्फर्म करने के लिए, तो ये आपसे कहेंगे सर आप अपनी डिटेल वगैरह दे दें, हम आपकी कॉल पर अरेंज करवा देंगे। यानी कि जब आपको ज़रूरत है तब ये आपका मसला रिजॉल्व नहीं करेंगे, 2 दिन बाद आपको कॉल करके बताएंगे कि हाँ सर आपकी कॉल आई थी, आपकी रिक्वेस्ट आई थी, बताइए क्या इशू है XYZ। तो मैं आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है काफ़ी रिसर्च करने के बाद गैदर करता हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि आप मेरी वीडियो के तवसुल से कोई भी जो डिसीजन है वो आप ले सकते हैं। आपको किसी भी मर्चेंट के हेल्पलाइन पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वीडियो पे आए और तमाम तरह इन्फॉर्मेशन लेके फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस गेटवे को लेना है, किस गेटवे को ऑनबोर्ड करना है, ठीक है जी। ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो है हाउ टू अप्लाई, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है सर, सिंपल आप जाएंगे मर्चेंट साइनअप पे। मर्चेंट साइनअप पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, एक फॉर्म देगा ये आपको, ये फॉर्म आ गया जिसमें आप अपना नाम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे जिस पे आपको ये रابطہ कर सकें, ईमेल एड्रेस आपने एंटर करना है, वेबसाइट जिस पे आपको इनके सर्विस चाहिए, गेटवे चाहिए आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, एनुअल वॉल्यूम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपका मंथली एनुअल जो आपका एनुअल वॉल्यूम है जो आपने पहले इस फॉर्म में लिखा था, इस फॉर्म में जो आपने इस फॉर्म में वॉल्यूम लिखा था वही आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एवरेज ऑर्डर साइज लिखेंगे कि आपका जो एवरेज ऑर्डर साइज है वो कितना हो सकता है, टिकट साइज क्या है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। एवरेज डाल देंगे कि डेली की ट्रांजेक्शन कितनी हो सकती हैं या मंथली कितनी होती हैं, जो भी आपका एवरेज ऑर्डर साइज है। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है आपकी, एक वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट है 100 रुपये की और एक है 1000 रुपये की, इनके मैक्सिमम क्या है 1000, तो आप 1000 और 100 इन तीनों को सम करके, ठीक है, जो भी एवरेज निकलेगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, राइट। और यहाँ पे आपने रिमार्क्स वगैरह ऐड करने हैं, अगर कोई रिमार्क्स वगैरह आपके होते हैं कुछ भी, अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप सेंड कर देंगे, सेंड करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इनके पास सबमिट हो जाएगी। 24 to 48 आवर्स में ये आपसे कॉल करेंगे, आपको कॉल करके आपसे जो फर्दर इंफॉर्मेशन वगैरह है वो ली जाएगी। उसके बाद फिर आप इनसे रेट वगैरह कंफर्म करेंगे कि आपको ये आपको वॉल्यूम ये पूछेंगे। उसके बाद आपने इनसे रेट पूछना है कि मुझे क्या रेट ऑफर किए जा रहे हैं, मुझे कैसे कैसे ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा, ठीक है। और आप चाहें तो इनसे सैंड बॉक्स वगैरह भी ले सकते हैं, मैंने अभी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की हुई है, मेरे पास अगर कोई अपडेट आती है मुझे अगर सैंड बॉक्स देते हैं तो मैं फिर आपको आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो में कि अगर सैंड बॉक्स देंगे तो मैं आपके साथ
इंटीग्रेशन का जो प्रोसीजर है वो भी प्रैक्टिकली करके आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये पेमेंट गेटवे MCV का पेमेंट गेटवे के हवाले से, अगर किसी मेरे भाई को कोई कन्फ्यूजन थी रेट के हवाले से, अप्लाई करने के हवाले से, रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, तो उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। इन केस फिर भी अगर कोई इश्यू आता है, कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मैंने एक वीडियो में अपना नंबर दिया हुआ है, इस वीडियो में अपना नंबर दिया हुआ है, आप मेरे भाई इस वीडियो को देख के मेरा नंबर नोट करके अगर कोई सीरियस या कन्फ्यूजन है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। या भाई अगर आपको पेमो का पेमेंट गेटवे चाहिए तो आप फिर भी मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो भी कंसर्न्स हैं वो क्लियर करके पेमोब का पेमेंट गेटवे आपको अप्रूव करवा के आपकी वेबसाइट पे लाइव करवा दूँ। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।